चलना दिखाओ और 1 करोड़ पाउंड तनशील सोसाइटी की खुली चुनौती। टाउन स्टेशन के पास शराब की अवैध दुकान खोलने का विरोध, महिलाओं ने दी चुनौती। मंत्रालय कर्मचारियों का ऐलान, 15 अगस्त को जिला मुख्यालय पर करेंगे सामूहिक अवकाश। नई गुंजा में पीने के लिए खारा पानी, लापता हुए पार्षद, पीएचईडी के सामने किया प्रदर्शन। और समाचार विस्तार से, महिलाओं के बाल काटने की बढ़ती घटनाओं के बीच तर्कशील सोसाइटी अलर्ट हुई। पिछले 3 दशक से तर्कशील सोसाइटी से जुड़े डॉक्टर रूप सिंह ने कहा कि बाल काटने की घटनाएं फिजूल की बातें हैं। वे 1 मिनट में ऐसे मामलों को बेनकाब कर देंगे। इतना ही नहीं, अगर किसी ने जादू मंत्र के जरिए उनकी 3 शर्तों पर काम कर सिद्ध किया तो उसे 1 करोड़ का इनाम भी देंगे। हनुमानगढ़ जिले में यूं तो आधा दर्जन से अधिक महिलाओं के बाल काटने की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन मतलब की बात यह कि इनमें से एक भी मामला बेनकाब नहीं हुआ। इससे समाज में अलग अलग बातें हो रही थी। ऐसे में स्काई चैनल ने ढूंढ निकाला तर्कशील सोसाइटी से जुड़े डॉक्टर रूप सिंह को। गाँव जंडावाली निवासी रूप सिंह पटियाला से वर्ष 1972 में ग्रेजुएट हुए और 1982 में हनुमानगढ़ आ गए। कुछ मित्र तर्कशील सोसाइटी से जुड़े थे, इसलिए वे भी उनके साथ हो गए। डॉक्टर रूप सिंह ने बाल काटने की घटनाओं को मन की शरारत बताया। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं को दबाकर रखा जाता है, जबकि इनकी इच्छाएं दबी रहती हैं, जो किसी न किसी तरह बाहर आने के लिए बेताब रहती हैं। जब ऐसी महिलाएं बाहर से कुछ खास सुनती हैं तो वे खुद पर आजमाकर परिवार और समाज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती हैं। धारणा है कि जो इस औरतें हैं, इनके बाल काटे जाते हैं। इसमें कुछ समाज की परिस्थितियां ऐसी है भी औरत को आगे नहीं आने देती। कोई समाज से कुछ ऐसी ऊंचाई हैं तो वो मानसिक रोगी होती है और पीड़ित होती है किसी समस्या की, पति की समस्या, देव की समस्या, घर की समस्या। 2 समस्या होती है, एक आर्थिक और एक सामाजिक। सामाजिक तौर पे जो भारतीय समाज के जी औरत है उसनु दबा के रखा जाता, हालात ही यह जे है, तो वह मानसिक तौर पर इन्नी कुचली जाती है कि वह आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो सोच है वह प्रगट नहीं कर सकती। तो वो समाज का जो तबका है उसको खींचने के लिए जो ऐसी हरकतें करती है। आखिर बाल ही क्यों काटती हैं महिलाएं? रूप सिंह कहते हैं कि इसमें कोई दर्द नहीं होता, आसान काम है, इसलिए बाल क्यों काटते हैं। कई हमारे पास केस आए हैं, और भी चीजें काटी गई है, खून, सुइयां, यह जब कुछ, पर ये सूक्ष्म चीज है, बहुत जिम्मे आप कहने बरीकी चीज है, ब्लेड भी मिल जाती है, कैंची भी मिल जाती है। तो ये चोरी जो करना है इस काम को, तो उसने फटाफट करना है, तो वो यह जो बाल है वो ही कटे जा सकते हैं, होर ब्लेड नहीं बच सकता कितने, क्यों उस खून आऊगा, होर सारा कुछ आऊगा। ये एक इमीडिएटली भी छेती वापरने वाली घटना है, वो बाल कटने वाली है। तर्कशील सोसाइटी ऐसे मामलों की गुत्थी कुछ ही मिनटों में सुलझाने का दावा करती है। रूप सिंह कहते हैं कि जब भी इस तरह की घटनाओं का पता चले तो तर्कशील सोसाइटी को सूचना दें। वे इसे मन की शरारत बताते हैं और कुछ नहीं। वैज्ञानिक सोच वाले जो आदमी है, जिमें तर्कशील सोसाइटी वाले, हम किसी इससे गैबी शक्ति को नहीं मानते, हम ये मानकर चलते हैं कि मनुखी शरारत है। तो हमारे पास ऐसा केस नहीं आया, रामगढ़ नहीं, नौरन नहीं आया, ऐसी वो हमने सॉल्व कर दिए। तो आप लोग इसको, क्योंकि आप वैज्ञानिक लोग नहीं, तर्कशील सोसाइटी नाल जुड़े लोग नहीं गए, इसके लिए आपकी समझ से ये दूर है। हम पकड़ कर दिखा सकते हैं जी, कोई भी घटना वापरे तो उसको हम 1 मिनट में ही सॉल्व कर देंगे, कोई बड़ी समस्या नहीं। अशिक्षा के कारण इस तरह की अफवाहों को पंख लग जाते हैं। रूप सिंह के मुताबिक विज्ञान के युग में इस तरह की अदृश्य ताकतों की बातें हास्यास्पद हैं, इसलिए लोगों को तर्क संगत बातों पर ही विश्वास करना चाहिए। भारतीय समाज में सदियों पुरानी कुछ परंपराएं हैं, वो जुड़ी हैं, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड 2 दिमाग के हिस्से होते हैं। अनकॉन्शियस माइंड जिन्हों अचेत मन कहते हैं,
उसमें बच्चों को शमशान घाट में जाता है, घर पे उसको सिखाया जाता है कि भूत होती है, घर में उसको सिखाया जाता है कि माऊ होता है, हालांकि माऊ कोई चीज़ नहीं गई, उसके घर पे ही सारा कुछ सिखाया जाता है। समाज जो वो ऐसी क्योंकि अनएजुकेटेड लोग है, ये लोग तर्क नहीं जानते क्यों कैसे कब हुआ, जब ये जानने लगे तो अंधविश्वास खत्म होगा। इसी कारण अंधविश्वास जो भारतीय समाज में भी अनपढ़ता करके वैज्ञानिक सोच ना अपनानी, बच्चों नूं एक डिग्रियां देनियां, उन्हां नूं एजुकेट नहीं करना वैज्ञानिक तौर पर, तो वह अंधविश्वास है जिहड़ा वो जड़ां फलाई बैठा भारतीय समाज च, अपने पेंडू लोगों शहरी लोगों भी हैगा, पढ़े लिखे लोग है वह भी जाते मत्थे टेकन बाबिआं नूं, दूसरे लोग भी जाते हैं, तो वह जिहड़ा फला है वह ज़्यादा है। ये तर्कशील सोसाइटी का कहना है कि अगर कोई भी जादू टोना से संबंध रखने वाला सोसाइटी की तीन चुनौतियों को स्वीकार कर कर्तव्य दिखा दे तो उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। वे 3 शर्तों का बाखूबी खुलासा भी करते हैं। 3 शर्त रखी, 3 में से कोई एक शर्त पूरी कर दे तो हम उसको 1 करोड़ रुपया देंगे। 3 शर्तों में जैसे नब्ज बंद करना, पानी से चलना, आग पर तोड़ना, करंसी का नोट बता देना, ऐसी कोई भी शर्त हमारे पास, पंजाब से हमारा तल्लक है, पंजाब की तर्कशील सोसाइटी ना हमने से जो बाद में बनाया 84 से, तो वहाँ पर बहुत सारे जो लफंगे साहब आए थे वो उनको असी चैलेंज किया पर वो हार गए, उनकी जमानत की राशि सी जो जब्त होगी। तो आज तक जब की तर्कशील सोसाइटी बनी है उस समय तो लेके आज तक कोई भी मौलवी भाई जी पांडा पखंडी लोग जो गैबी शक्ति उनका दावा करते हैं हमारे सामने नहीं अड़ा। हनुमानगढ़ टाउन में स्टेशन के बाद रहने वाले लोग अब बदनामी से तंग आकर खुद बुराइयों से निपटने की चेतावनी दे रहे हैं। मंगलवार को कुछ महिलाएं शराब की अवैध दुकान खुलने की खबर पाकर लंबित हुई और इस तरह के मंसूबों पर पानी फेरने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पहले ही कुछ महिलाओं के कारण कम बदनामी नहीं थी, अब तो हालात बदतर हो जाएंगे, इसलिए सामने आने के लिए मजबूर हैं। समाज की बुराई भी असहनीय दर्द ही है और जब दर्द हद से गुजर जाए तो आदमी आपा खोने लगता है। लगता है टाउन स्टेशन के पास रहने वाली महिलाएं भी इसी मोड में हैं। कुछ महिलाओं की वजह से यह क्षेत्र बदनाम होता जा रहा था। ऐसे में जब उन्हें खबर मिली कि अब शराब की अवैध दुकान भी खुलने वाली है तो वे आपा खोने लगे। पार्षद भगवान दास के साथ महिलाएं आगे आईं और मुखर होकर विरोध किया। यहाँ पे जो शराब का ठेका खुल रहा है ना उसका विरोध कर रहे हैं हम, चाहते हैं कि वो शराब का ठेका ना खुले और वो बंद हो जाए यहाँ से, और जो भी गैर कानूनी काम हो, जो भी गलत काम जो भी हो रहे हैं ना वो भी बंद करवाना चाहते हैं। यहाँ पे आए दिन जब हम रेलवे स्टेशन से गुजरते हैं कोई लड़के खड़े रहते हैं, गलत बोलते हैं, गलत देखते हैं, ये सब हमें ना बंद चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको भी मतलब डर ही रहता है कि ये जा रहे हैं यहाँ पे गलत लोग खड़े रहते हैं, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये चीज़ें हम बंद चाहिए। और मोहल्ले की बदनामी होती है इसकी वजह से, कहीं भी हम बता नहीं सकते कि हम इस एरिए में रह रहे हैं, लोग हमें भी गलत सोचते हैं, गलत नज़रों से देखते हैं। हमें ये सिस्टम सारा बंद चाहिए क्योंकि हमारी भी बदनामी हो रही है इनके साथ और लुटेरे भी हैं। और जब देखो जब जेब लूट लेते, किसी के पैसे लूट लेते, किसी का मोबाइल छीन लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, ये सब चीजें भी गलत ही है। और हमारी तो इतने टाइम से यहाँ पे गलत जो धंधे चल रहे थे, औरतें चला रही थी, वो भी बंद नहीं हुआ था, आज वो बंद हुआ नहीं और एक और नया शुरू हो गया, शराब का ठेका खुलने लग गया, फिर हम इतना ज्यादा तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते ना, कितने टाइम तक चुप रहेंगे हम, तो कभी ना कभी तो बोलेंगे ही, इसलिए हमें ये सब बंद चाहिए। पुलिस ने तो बोल दिया कि ये सब बंद हो जाएगा, आश्वासन दे दिया हमें, और बाकी अगर नहीं हुआ तो हम अपनी तरफ से और भी एक्शन लेंगे इसे। तो मैं रात ने बेगा मोड़ा आवा तो मारे पूरी परेशानी है, तो मैं बेगा मोड़ा आवा तो ये लूटा लूट करे, कोई ने कूटे मारे, कोई की जेब कतर ली, कोई कोई मोबाइल ले लियो, तो बेगा मोड़ा आवा तो गलत काम है। बहन बेटी बेगी मोड़ी आवे, गाड़ी का रास्ता पर लोग सब आवे तो कोई लोग ने पटक दिए, कोई ने बूढ़ा ने पटक दिए, कोई नुआ नहीं पटक सके, कोई की जेब काट ली, कोई पीसा लूट लिया, फिर लोग काम तो रहता ये बेगो और मोड़ो, तो कोई भी आदमी जो जो डर तो अटू डरे बहुत ही, हाँ तो और कटिवरी आने लग जावे, तो मैं कता दिन दुखी हुआगा, नहीं तो गलत धन्ना होना चाहिए, नहीं कोई ठेका खुलना चाहिए, नहीं अठे लुगैया का धन्ना खुलना चाहिए, अठे
हर चीज की सुविधा होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भाई रिश्तेदार मारो बेगो मोड़ा हुआ तो कहते थे गेला के अठे थे मोहल्ला में क्यों रहो, तो मारी भी बदनामी तो वही है। तो मैं भी हर चीज की सुविधा चाहिए माने। हम परेशान इसलिए हैं कि ये गंदे धंधे होते हैं, बैठ बैठी हमारी और गलत ही है बर्ताव से हम लोगों को देखा जाता है। 20-22 साल हो गए, हमने इतने दिन तो इनकी कार्रवाई वैसे कह के करवाई है, अब हमने उठाया अपना मुद्दा, इसीलिए आप इसको कार्रवाई को बंद करी जाए। पुलिस वाले की चौक या चौकी ये निबड़नी चाहिए, चौकी बनवाओ हमारे लिए, हम चौकी के लिए बोल रहे हैं आपको। और ये ठेका नहीं खुलना चाहिए, 20 साल होगा परेशान हो रहे हैं 20 साल से, हमारे कोई भी आता है हमें बहुत बुरी तरह टोकता है और हम गलत लगते हैं इसलिए, और गलत ही नजर से हमको सब लोग देखते हैं। एफसीआई मोड है, इस मोड पे कुछ लोग गैर कानूनी काम करना चाह रहे हैं जिसमें कि नशे का कारोबार है, और नशे का कारोबार इस एरिया में इतना है कि कल ही दो दिन पहले ही यानी कि सैकड़ों शीशियां नशे के खेप की पकड़ी गई इसी लोकेशन पर। और अब सुनने में आया कि यहाँ कोई शराब की अवैध ब्रांच खोलने जा रहे हैं, तो मोहल्ले वालों ने विरोध किया, लोग बहुत सारे इकट्ठे हुए, विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस प्रशासन को अवगत करवाया इससे भी यहाँ ये गैरकानूनी काम हो रहे हैं, और जिसमें कि जो रेलवे स्टेशन पर लोग आने जाने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ आए दिन लूट खसोट या मोबाइल चोरी या छीना झपटी ये है, तो लोग इतने भयभीत हैं इस एरिया में निकलने के लिए, और लेडीज जो निकलना है वो तो शाम के टाइम इतना दुर्भर है इस एरिया से। अब पुलिस प्रशासन और आप करीब मिले हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ कोई अवैध ब्रांच नहीं खोलने देंगे, मैं खोलने देंगे तो हम इसका पूरा विरोध प्रदर्शन करेंगे। दूसरी तरफ महिलाओं के विरोध को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट हुई। पुलिस ने कहा कि महिलाओं ने ज्ञापन दिया है, गश्त बढ़ाएंगे और शराब की अवैध दुकानें नहीं खुलने देंगे। एफसीए गोदाम के पास है, औरतें वगैरह देवेंद्र जी पार्षद हैं वो इकट्ठे थे, वहाँ कोई बता रहे हैं अवैध निर्माण हो रहा है कोई शराब ठेके का, तो हम पहुँचे तो वहाँ कोई निर्माण वगैरह तो हो नहीं रहा था, कल की कोई दीवार दूर चिनाई हुई थी, उन्होंने बताया कि यहाँ ठेका बनाया जा रहा है, वहाँ कोई प्रेजेंट तो था नहीं, अब ठेका है किसका क्या है। वहाँ लोग बागों से पूछा तो उन्होंने कहा ये रेलवे की बाउंड्री है, तो हमने उनको ये कहा रेलवे अधिकारियों के पास जाके अवैध निर्माण रुकवाएं और वहाँ निरंतर गश्त जारी रहेगी। लूटपाट और अवैध धंधों का भी विरोध कर रहे हैं? हाँ विरोध कर रहे हैं, जब भी कोई सूचना मिलती है वहाँ जाके कार्रवाई करते हैं और गश्त करते रहते हैं। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि सरकार से बेहद खफा है, उन्होंने विभिन्न महकमों के कार्यालयों के बाहर मीटिंग की और 15 अगस्त को जिला मुख्यालय पर सामूहिक उपवास करने की घोषणा की। जिलाध्यक्ष इंद्रजीत शर्मा के मुताबिक ग्रेड पे आदि मांगों को लेकर सरकार सुनवाई नहीं कर रही, ऐसे में अब 8 से 11 अगस्त तक सामूहिक अवकाश पर रहने की चेतावनी दी गई है। आज हम सभी विभागों में गेट मीटिंग करने के लिए जो है गेट मीटिंग आयोजित कर रहे हैं, तो उसी के क्रम में आज हम सहकार भवन और रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थित हुए हैं, यहाँ पर मंत्रालय कर्मचारी और जो है उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए भी 8/8/2017 से 11 अगस्त 2017 तक जो सामूहिक अवकाश पर 4 दिन के लिए हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि जो राज्य सरकार ने वेतन वृद्धि के जो रोकने के कर्मचारियों के आदेश किए हैं 48 ग्रेड पे तक, उसको वापस करने के लिए और ग्रेड पे 36 और सचिवालय पैटर्न के क्रम में जो है मंत्रालय कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है, उसके प्रति जो राज्य सरकार नए नए रोज बेतु के आदेश कर रही है उसके प्रति कर्मचारियों ने ये संकल्प लिया है कि हम सामूहिक अवकाश पर 8 तारीख से लेकर के और 11 तारीख तक रहेंगे, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन हम सभी मंत्रालय कर्मचारी जिला कलेक्टर के ऑफिस के सामने जो है एक दिन का सामूहिक उपवास रखेंगे, जिससे कि राज्य सरकार का ध्यान हमारी ओर जाए और हमारी जो जायज़ मांगे हैं उस पर सरकार जो हमारी जो है वो निर्णय करे, सकारात्मक निर्णय करे। जिला प्रभारी सचिव नवीन जैन ने अपने परिचित अंदाज में अधिकारियों और कर्मचारियों के मीटिंग ले कलेक्टर सभागार में कलेक्टर की मौजूदगी में हुई बैठक में उन्होंने आमजन के साथ टालमटोल की प्रवृत्ति अपनाने वालों को नसीहत दी, वे अपना रवैया सुधार ले अन्यथा अंजाम ठीक नहीं होगा। संपर्क पोर्टल को लेकर हालांकि हनुमानगढ़ में अच्छा काम हुआ, लेकिन संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत को अधिकारी एक बार खुद भी जरूर देखें। शिकायत का केवल टाइटल पढ़कर आगे जूनियर को पढ़ा देने वाली आदत छोड़ दें। अब जल्द ही
सीएम हेल्पलाइन भी शुरू होने वाली है, जिससे अब गाज ऊपर जिला स्तरीय अधिकारियों पर पड़ेगी। ये कहना है जिला प्रभारी सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर नवीन जैन का। प्रभारी सचिव नवीन जैन ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला प्रभारी सचिव ने संपर्क पोर्टल, बजट घोषणाओं, विभिन्न विभागों में चल रही योजनाओं की समीक्षा की। संपर्क पोर्टल की समीक्षा करते हुए जैन ने कहा कि किसी शिकायत पर मार्किंग वाली आदत छोड़ दें। संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत का निस्तारण क्वालिटी के साथ करें और संपर्क पोर्टल को पूरी इंपोर्टेंस दें। पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को 30 दिन में ही निस्तारण कर रिवाज डाला जाए। जैन ने कहा कि अक्सर देखने को मिलता है कि कोई शिकायत संपर्क पर दर्ज होती है तो अधिकारी अपने से जूनियर को मार्क कर देता है। जूनियर अपने से जूनियर को जब निस्तारण नहीं होता तो ऊपर वाला आपको डांट लगाता है। आप अपने जूनियर को डांट देते हैं और वो आगे डांट लेता है। ये सब नहीं चलेगा। नईकुंजा के तीन वार्डों के लोग खारा पानी पीने के लिए मशहूर हैं। यह हालात है जिला मुख्यालय की, जहां पर लोगों को साफ पानी भी मयसर नहीं। लिहाजा डीसीसी सचिव मनोज परसीवाल की अगुवाई में पार्षद लियाकत अली, राजेश मदान, रणजीत सिंह सहित अन्य नागरिकों ने पीएचडी के सामने प्रदर्शन किया। पिछले एक हफ्ते से पानी की जो आपूर्ति है बहुत ही खराब पानी आ रहा है, उसमें खारा पानी आ रहा है। और इस शिकायत को लेकर हमने दो तीन बार बर्बली इनको फोन पे सूचना की है, तो उन्होंने कहा भी एक दो दिन में ठीक कर देते हैं। तो इस बात को करते करते आज हफ्ता 10 दिन होने को आए हैं। तो आज मोहल्लेवासी जो वार्ड नंबर 3 नई कुंजा के जो लोग हैं सभी हम मिले हैं। एक्शन साहब की अनुपस्थिति में टीए साहब को ज्ञापन दिया, उन्होंने दो दिन बाद हमें सर्वे करवा के और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो पूरी कुंजा के लोग इस पानी से दुखी है और हम इसको बड़े आंदोलन के रूप में चलाएंगे और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। किसी पीने की कंडीशन है वो इतनी बिगड़ चुकी है कि लोगों के पेट दर्द और तरह तरह की बीमारियों से वो बच्चे हैं जो वो पेट दर्द की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वाटर वर्क्स का पानी वो सारा मिक्स होकर ख़राब हो चुका है। और उसके लिए हमने काफ़ी प्रयास भी किया है पहले भी कि इसको सुधार किया जाए या नहर का पानी हमें मिक्स करके दिया जाए, हालांकि प्रयास जारी भी है, लेकिन अभी जो कंडीशन है पीने के लिए क्या वो पानी नहाने के लिए भी बेकार हो चुका है। तो अगर इसको जल्दी से जल्दी नहीं किया गया तो वहाँ पे हालात और बिगड़ जाएंगे और हालात बिगड़ेंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग बीमार पड़े। उससे पहले अगर ये कदम नहीं उठाए गए तो हालात बिगड़ेंगे और इसलिए हम इकट्ठे होकर आ जाए हैं। तो इसलिए कोशिश यही है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुशील जोशी ने जिला टीम की घोषणा की है। इसमें नरेंद्र खिलेरी सहित 5 को उपाध्यक्ष, कर्णवीर सिंह खोसा और दीपक खाती सहित 7 को मंत्री, गोपाल शर्मा और मदन पुनिया को महामंत्री नियुक्त किया है। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए दिन भर की खबरें।
Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, Punjabi. महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लेबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध है। उधर राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ का आंदोलन 13वें दिन जारी रहा। कर्मचारियों ने मंगलवार को शहर में वाहन रैली निकाली। जिला महामंत्री अवेकान शर्मा के मुताबिक अब तो कर्मचारियों में फूट डालने के लिए मीडिया को भी मैनेज कर झूठी खबरें प्रसारित की जा रही हैं। संघ जिला शाखा हनुमानगढ़ का प्रदेश नेतृत्व के अनुसार यह सामूहिक अवकाश का 13वां दिन है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार बिल्कुल ही बेसुध पड़ी हुई है, चेती नहीं है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोहली जी जयपुर पधार चुके थे। आज उनके साथ हाईकोर्ट प्रशासन की और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ वार्ता थी, लेकिन अभी तक हमें किसी प्रकार का कोई मैसेज प्राप्त नहीं हुआ है। और जब तक हमारी मांगें CTPA कमीशन की मांगों की अक्षर से पालना नहीं हो जाती, तब तक पूरे राजस्थान में कोई न्यायिक कर्मचारी अदालत के अंदर नहीं जाएगा। बाकी हम खुद महसूस कर रहे हैं कि हमारी इस हड़ताल के कारण आम पक्षकारगण को, अधिवक्तागण को और आम जन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज राज्य सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन की हठधर्मता के कारण न्याय के मंदिरों के ताले पड़े हुए हैं। उसके लिए हम खुद ये महसूस करते हैं कि इस सब के लिए राज्य सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन जिम्मेदार है। हाईकोर्ट सिर्फ झांसेबाजी कर रहा है, मीडिया को गुमराह करता है कि हमने इनकी मांगें मान ली हैं, जबकि हाईकोर्ट प्रशासन ने कोई किसी तरीके की कोई पालना रिपोर्ट आज तक हमारे प्रदेश संघ के पास नहीं आई है। और ये मात्र गुमराह करने के लिए और न्यायिक संगठन में, इस राजस्थान न्यायिक संगठन में फूट डालने के लिए ऐसी अफवाहें हाईकोर्ट प्रशासन बराबर फैला रहा है। मीडिया को ये कई मीडिया के जो चैनल्स हैं उनको हाईकोर्ट ने और राज्य सरकार ने मैनेज कर रखा है, उसके तहत ये झूठी अफवाहें हैं। और जब तक हमारे प्रदेश से कोई ऑथेंटिक न्यूज़ हमें नहीं आ जाती, तब तक ये हमारा आंदोलन सतत जारी रहेगा और इसको दिनों दिन उग्र रूप दिया जाएगा। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी सुविधाओं से महरूम रखा जा रहा है, ऐसे में उन्होंने बस स्टैंड जंक्शन में प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेता पृथ्वी महिला नायब सिंह आदि ने कहा कि सरकार पूरी तरह हठधर्मिता पर उतर आई है, ऐसे में आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, लोकप्रिय सेवा बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकप्रिय सेवा बंद करो, बंद करो, बंद करो, गवर्नमेंट कर्मचारियों का बकाया भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, गवर्नमेंट कर्मचारियों का बकाया भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, सेवारत कर्मचारियों का समय पर मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आटा हक शिव मोर्चा द्वारा घोषित
नौ घंटे का ये जो बहिष्कार किया गया है, इसके संबंध में एक तो कर्मचारियों को इन महीने पर 1 तारीख को सैलरी नहीं दी जा रही है, 3 महीने हो गए ये सरकार की नीतियों के कारण है। दूसरा, रिटायर कर्मचारियों को 2013 से आज तक उनका भुगतान नहीं किया गया। जो ये नीति है वो सरकार की नीति है, इस रोडवेज को निजीकरण करने की नीति है। कभी अपने आप कर्मचारी इनका शोषण किया जाए, ये छोड़ के चले जाएंगे या ऐसे ही ये लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे। लोक परिवहन सेवा जो पैरेलल में खड़ी कर दी है, ये भी एक रोडवेज का घाटा है, रोडवेज का सबसे घाटा ही है। इसके अंदर अगर रोडवेज बंद होती है, कल को रोजगार पर भी असर पड़ेगा, रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और इसमें देश में अपने प्रदेश में अशांति भी फैल सकती है। ये सबसे बड़ा कारण है, इसका हम विरोध करते हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की प्रदेश अध्यक्ष सीमा शर्मा ने हनुमानगढ़ के सुनील शर्मा को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। सुनील शर्मा ने खुद इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि चूंकि ब्राह्मण समाज का मुख्य कार्य समाज का मार्गदर्शन करना है, इसलिए इसी काम को प्राथमिकता देंगे। ब्राह्मण समाज एक ऐसा वर्ग है, ये वर्ग हर वर्ग के आगे, हर वर्ग के को मार्गदर्शन करता है। ब्राह्मण का काम ही मार्गदर्शन करना है, समाज को सही मार्ग पर लेकर आना है और समाज के अंदर जो कुरीतियाँ फैली हुई है, जो भ्रमित कुरीतियाँ फैली हुई है, उनको दूर करना है। कर्मियों को वेतन के लिए तरसना पड़ रहा है। मंगलवार को कुछ कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर कहा कि प्रबंधन की मनमर्जी से उनका हाल बेहाल हो रहा है। कलेक्टर से मिलने पहुंचे रोडवेज कर्मियों ने कहा कि उनकी हालत खराब है। एक तो 3 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ, इससे रोटी के लिए लाले पड़ गई। दूसरी तरफ रात्रिकालीन पारी में ड्यूटी मिलने से समस्या और बढ़ गई। एक हमारी 3 महीने सैलरी नहीं आ रही है और हमारे पे वहाँ दबाव दे के कार्य कराया जा रहा है डिपो, रोडवेज बस डिपो में, और हमारे से ट्रेड के अनुसार हमारे को कार्य नहीं कराया जा रहा है। और एक हमारी दिन पारी ड्यूटी होनी चाहिए, हमारे को रात्रि पारी में वो कार्य करा रहे हैं हमारे से, और रात को जाते हुए तो हमारे घर पे बहुत समस्या होती है, पुलिस वाले रोक लेते हैं हमारे से, सवाल जवाब पूछते हैं, और कई 18 नाइट में 18 जने और दिन में 8 जने हैं, और डीजल गए हैं कई लड़के, कई वेल्डर गए हैं, फिटर गए हैं, तो उनको ट्रेड वाइज काम नहीं दिया जा रहा है, उनको इलेक्ट्रिशियन गए हैं। अधिकारी कह रहे हैं जब हमारी आएगी, जब भी तुम्हारी आएगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उनको, राज्य सरकार देती है सैलरी। टाउनशिप व्यापार मंडल गर्ल्स कॉलेज में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। मंगलवार को इसका आगाज हुआ। NSS के तहत हो रहे कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर नीलम गौर ने छात्राओं को स्वच्छता को लेकर प्रयास करने की शपथ दिलाई। बाद में कुछ छात्राओं ने इसे प्रेरणास्पद बताया। स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगी और उसके लिए समय दूंगी हर घंटे 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चिरहार करूंगी। मैं ना गंदगी करूंगी ना किसी और को करने दूंगी। सबसे पहले मैं स्वयं से अपने परिवार से अपने मोहल्ले से अपने गांव से और अपने कार्यस्थल से शुरुआत करूंगी। मैं यह मानती हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते। इस विचार के साथ मैं गांव और गली गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूँगी। मैं आज जो शपथ ले रही हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगी। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया
बताया प्रदेश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा और अपने घर परिवार आस पड़ोस सब जगह स्वच्छता के प्रति जागरूक रहकर अपनी भागीदारी समाज के लिए दे सके। और अगले दिन ये पखवाड़ा 15 दिन का है, अगले दिन जैसे कॉलेज की सफाई करवाई जाएगी जिसमें क्लासरूम, पुस्तकालय, लाइब्रेरी और कैंटीन, ग्राउंड इन सब की भी सफाई करवाई जाएगी। उसके पश्चात 13 दिनांक 13 को महाविद्यालय से एक टीम जो NSS की टीम है वो रवाना होगी ओल्ड एज मतलब जो वृद्ध आश्रम है वहाँ पर जाके अब श्रमदान करेंगे। का कार्यक्रम था इसका मतलब ये नहीं था कि आज ही हमने सफाई करनी है, आज ही ऐसा कुछ करना है, प्रोग्राम करना है, ये हमेशा के लिए हमारे लिए इसका हमने अपने मन में बिठा लिया है कि हमें सफाई करनी है और हम ना तो गंदगी फैलाएंगे खुद और ना किसी को फैलाने देंगे और हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, गांव को जागरूक करेंगे कि सफाई कितना महत्व रखती है हमारे लिए। इसलिए जो सफाई जिस देशों में सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रखी जाती है उनका विकसित भी बहुत है, बहुत ज़्यादा। पहले खुद की सफाई, उसके बाद अपने कार्यस्थल की, हमारा कार्यस्थल महाविद्यालय है, घर है, उनकी सफाई, उसके बाद हमें आगे लोगों को प्रेरित करके और आगे की सफाई करनी है। तो हमने ये, हमारे NSS कैडेट के सभी सदस्यों ने ये शपथ मन से ग्रहण की है और हम सभी अपना मन से कार्य करेंगे ताकि हमारे देश से जितना हो सके हम गंदगी को मिटा सकें और हमारा प्रयास सफल रहेगा, ये हमने इस शपथ में। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 14 अगस्त को अष्टयाम यज्ञ का शुभारंभ होगा। नव युवक कमेटी के मंत्री ललन प्रजापत के मुताबिक 15 अगस्त को समापन होगा, इसमें 24 घंटे तक श्रद्धालु खड़े होकर राम नाम का अखंड कीर्तन करेंगे। हवन आदि के माध्यम से जिला प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना करेंगे। इस बार 15 अगस्त को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व है, लिहाजा दोहरी खुशी का आलम रहेगा। टाउन स्थित श्री कृष्ण क्लब की ओर से भव्य आयोजन किए जाएंगे। क्लब की बैठक संजीव शर्मा की अध्यक्षता में हुई। एडवोकेट मदन पारे के मुताबिक 5 अगस्त को भूमि पूजन किया जाएगा। आज पुरानी नगर परिषद स्थित हनुमान मंदिर में क्लब की बैठक जो है प्रधान जी संजीव शर्मा द्वारा ली गई, उसमें सभी सदस्य उपस्थित थे। सभी ने आगामी 15 तारीख को अगस्त को जो है उक्त पर्व धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है और बैठक में हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। मेंबरों में काफ़ी उत्साह है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुछ सदस्य जो क्लब के हैं उन द्वारा व बाहर से जो कलाकार आएंगे उन द्वारा जन्माष्टमी श्री कृष्ण भगवान का उत्सव है बड़े धूमधाम से मनाएंगे और आज इसी उपलक्ष्य में मंदिर में बैठक हुई है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।